सी चैप्टर नंबर 7 मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। बेटा इसको जो है वो हम लोग नेल्सन सेल का भी नाम देते हैं। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है कि राइट एन ओट ऑन द नेल्सन सेल, ठीक है। तो ब्राइन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें, ब्राइन होता है बेटा कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को, मतलब कि जो हमारा टेबल सॉल्ट है NaCl, इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके एक सैचुरेटेड सा सोल्यूशन बना लें, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ब्राइन, ठीक है। इसका मतलब है कि ब्राइन के पास दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज़ द सोडियम क्लोराइड एंड सेकंड वन इज़ द वाटर। तो इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर को ही हम लोग ब्राइन का नाम देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस सेल में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हम लोग जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इंडस्ट्रियली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की फार्मेशन किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग द ब्राइन इन द नेल्सन सेल, ठीक है, नेल्सन सेल के अंदर ब्राइन को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो अब सबसे पहले उसने जो है वो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता दी है डायग्राम के ज़रिए कि जो नेल्सन सेल है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो देखें जी, उसने बताया कि नेल्सन सेल जो है इसके पास बेसिकली दो चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है, इसके बाद बाहर वाली साइड पर जो है वो एक सिलेंडर मौजूद होता है जिसको हम लोग जो है वो स्टील सिलेंडर का या स्टील टैंक का नाम देते हैं। उसके बाद दरमियान वाली साइड पर जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एनोड लगा होता है जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बेटा बना होता है जी ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है। उसके बाहर वाली साइड पे ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से कलर की ये परफोरेटेड सी लाइन नज़र आ रही है, इस परफोरेटेड लाइन को हम लोग जो है वो कैथोड का नाम देते हैं जो कि आयरन का बना होता है, ठीक है। तो ये दो बातें पहले आपने याद रखनी है कि दरमियान में जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है और बाहर वाली साइड पे परफोरेटेड मतलब के सुराखों वाली जो है वो क्या है, कैथोड है। उसके बाद बेटा कैथोड के अंदर वाली साइड पे ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, इस रेड कलर के अंदर हम लोग जो है वो ब्राइन को लेते हैं, इसको ब्राइन का नाम देते हैं, और इसको फिर ब्राइन को जब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं तो ये परफोरेटेड आयरन के अंदर जो है वो इसका ये रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास यहाँ से नीचे आ जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अभी इसके अंदर रिएक्शन किस तरह से होता है तो ये हमें पता चलेगा जी इन द वर्किंग ऑफ द नेल्सन सेल। तो वर्किंग ऑफ द नेल्सन सेल में उसने बताया कि जैसे हमें पता है जी कि जो ब्राइन है उसके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है ब्राइन के पास, वाटर है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है बेटा ये भी डिज़ोल्व हो जाता है, किस में डिज़ोल्व होता है जी, ये डिज़ोल्व होता है बेटा Na पॉजिटिव में, ठीक है, और प्लस क्लोराइड आयंस मीन Cl नेगेटिव, इन दोनों के अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद जो वाटर है, वाटर भी इसी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर किस में डिज़ोल्व होता है जी, H प्लस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में, और उसके बाद जो है वो OH नेगेटिव में, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो ये वाटर हमारा डिज़ोल्व हो जाता है। तो डिज़ोल्व होने के बाद अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो दो बनेंगे, एक सोडियम Na प्लस, दूसरा H प्लस। जो क्लोराइड आयंस हैं ये भी दो बनेंगे, सॉरी नेगेटिव आयंस हैं ये भी दो बनेंगे, एक Cl नेगेटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तब होता ये है कि ब्राइन जब डिज़ोल्व होता है उसमें सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व होती है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव जो है बेटा वो एनोड की तरफ मूव करना यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से निकलते हैं और क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्लोरीन गैस, ठीक है। उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड के पास आते हैं, कैथोड के पास आने की वजह से अब कैथोड पे ये भी एक रिएक्शन होता है, तो OH नेगेटिव जो है ये वाटर में कन्वर्ट होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है और इसके अंदर से भी चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाटर की जो H प्लस आयंस हैं उनके साथ मिलकर तो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। उसके बाद ये जो Na पॉजिटिव है ये OH के साथ मिलता है, OH के साथ मिलकर जो है वो NaOH बना देता है, ठीक है। सारे के सारे OH जो हैं वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ये वाले OH जो हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे नहीं होते, कुछ OH जो हैं बेटा वो Na के साथ मिलकर जो है वो NaOH की फॉर्मेशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जी अब ओवरऑल रिएक्शन इसका कुछ इस तरह से है कि NaCl जो है वो वाटर के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी और NaOH जो है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से जो है वो ऑक्सीजन गैस भी दिखाई है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑक्सीजन गैस का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जी ये रिएक्शन होता है और इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो है वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग द नेल्सन सेल।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है राइट अ नोट ऑन द नेल्सन सेल या हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर एन ए ओ एच बाई यूजिंग ब्रायन।